ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग 0.0441 राइट तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको लिखना 0.0441 और सबसे पहला हमारा काम होता है बार्स लगाना राइट अब डेसिमल की अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो कोई भी डिजिट नहीं है सिर्फ जीरो है अभी जीरो को छोड़ दीजिए और डेसिमल के बाद हम लोग बार्स लगाना शुरू करते हैं तो डेसिमल के बाद के बार्स हम कैसे लगाते हैं लेफ्ट टू राइट राइट तो 0, 4 and 4 राइट जब नंबर ही जीरो पॉइंट से शुरू हो रहा है तो आप अपना क्वेश्चन भी जीरो पॉइंट से शुरू करते हैं क्योंकि पहले कोई नंबर ही नहीं है राइट अब डेसिमल के बाद वाले आपको नंबर्स यूज़ करने हैं तो पहले डेसिमल पॉइंट लीजिए उसके बाद हम नंबर स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर क्या है 0 + 4 मीन्स ओनली 4 अब आपको नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या फिर 4 से कम हो और मैंने आपको ये भी बताया था जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वो नंबर आपको यहाँ पर भी लिखना है सो 2 2 = 4 इसके नीचे लिखना शुरू करते हैं 2 2 = 4 राइट अब पहले पार्ट के सारे नंबर्स खत्म हो गए आपको दूसरा बार ऑब्वियसली अगर नहीं भी यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है यहाँ पर तो भी आपको ये बार वाले नंबर्स नीचे लेने थे तो ये हो गया आपका 41 तीसरा स्टेप हमारा क्या था 2 जो हमने लिखा हुआ है उसमें सेम यही नंबर ऐड कर दीजिए 2 + 2 कितना हुआ 4 राइट अब आपको यहाँ पर एक नया नंबर लिखना है जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वो ही नंबर आपको यहाँ पर भी लिखना है और ये नंबर डिसाइड करता है ये वाला नंबर राइट अब यहाँ क्या है 41 अगर मैं इसके सामने 1 लिख दूँ तो ये भी 41 हो जाएगा राइट अगर मैं 1 यहाँ लिख रही हूँ तो 1 मुझे यहाँ पर भी लिखना है अब ये नंबर क्या है 41 41 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 41 × 41 और अब आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दें 41 − 41 = 0 सो अब इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 0.0441 = 0.21